स्वागत है आपका हमारे चैनल, जिसका नाम है जानकारी मैटर्स। जैसा कि हमें पता है कि अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ के लेटर में ये स्पष्ट लिखा हुआ है था कि 25 जून 2024 से जो है वो सभी टीचर का अटेंडेंस जो है वो ई शिक्षा कोर्स ऐप से बनेगा, जिसके लिए अभी बहुत जिलों से बीआरसी से मांग की गई थी कि ई शिक्षा कोर्स वाले फॉर्म में जो कि एक 3 पेज 11 पेज का आता है उसमें आपको डिटेल सबमिट करना है टीचर आईडी के लिए। लेकिन उसी से रिलेटेड यहाँ पे एक अपडेट आई है कि किनको फॉर्म नहीं जमा करना है। तो ये लेटर आपका निकला है जिला शिक्षा अधिकारी सुपौल से। आदेश, सुपौल जिला अंतर्गत प्रारंभिक विद्यालयों एवं माध्यमिक विद्यालयों तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों का डाटा ई शिक्षा कोर्स पर की वेबसाइट पर अपलोड हेतु निम्नांकित निर्देश दिए जाते हैं। पहला, जिले के सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि अपने अपने प्रखंडाधीन सभी प्रारंभिक माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत नियोजित नियमित शिक्षक जिनका डाटा ई शिक्षा कोर्स के वेबसाइट पर अपलोड नहीं है, के यदि संबंधित शिक्षकों से टीचर रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन फॉर्म संलग्न विहित प्रपत्र में डाटा भरवाकर उसे 2 दिनों के भीतर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। दूसरा, जिले के सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि स्थानांतरित शिक्षकों विद्यालय गर्ज वाले शिक्षकों के मामले में संलग्न प्रपत्र में डाटा संबंधित शिक्षकों से भरवाकर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। तीसरा, विद्यालय अध्यापक TRE 1 एवं TRE 2 अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों का डाटा ई शिक्षा कोष की वेबसाइट पर विभागीय स्तर से अपलोड किया जाएगा, जिसे टीचर रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन फॉर्म जमा करने की आवश्यकता नहीं है। अनुलग्न संलग्न प्रपत्र यहाँ देख सकते हैं 19/6/2024 के डेट में यहाँ पे साइन भी है। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना सुपौल का, इसका मतलब है यहाँ पे किनको किनको फॉर्म सबमिट करना है, तो जो टीचर नियोजित हैं और नियमित हैं उनको, और जो BPSC TRE 1 TRE 2 से आए हैं उनको ये फॉर्म भरने की कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो विभागीय स्तर से अपलोड किया जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है, इसको अपने तक मत रखिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर दीजिएगा।